मैं चूँकि जर्नलिस्ट हूँ और फीमेल जर्नलिस्ट की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर थी, तो बीइंग अ फीमेल जर्नलिस्ट मुझे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि बहुत हर तरफ ही मसला था, लेकिन जो मैं काम करना चाहती थी उसके लिए मुझे जो मेरी ख्वाहिश थी, जो मेरा पैशन था, वो मुझे नहीं करने दिया गया। तो मुझे लगा कि मुझे आगे आने वाली ख्वातीन जर्नलिस्ट के लिए कोई ऐसा काम करना चाहिए कि उनके लिए आसानियाँ हों, हम उनके रास्ते के कांटे चलें। तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे ख्वातीन जर्नलिस्ट की कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, इन अ सेंस कि उनके लिए वो मौके नहीं होते, सोसाइटी के बैरियर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी इशूज़ होते हैं उनके लिए। तो इससे हमने 2005 में ये बनाया और बेशुमार लड़कियाँ आई हैं, उन्होंने ट्रेनिंग ली, फील्ड में काम कर रही हैं, हमारी अचीवमेंट सेटिस्फेक्शन हमारी ये है। ओके मैम, ये बताइए कि कितने सिटीज़ में आप लोग करवाते हैं ये, और अब तक कितना लाइक एवरेज कितनी होंगी फीमेल पार्टिसिपेंट्स जो इससे मुस्तफ़ीद हो चुकी हैं? तकरीबन हम कोयटा, पेशावर, बलोचिस्तान, गिलगित-बल्तिस्तान, फैसलाबाद और जीएसएन लाड़काना, कराची में तो हमारे हेड ऑफिस है, तो वहाँ तो रेगुलर होती रहती है। तो तकरीबन 3,500 से ज़ायद ख़वातीन को हम ट्रेन कर चुके हैं। आई थिंक मोर देन 30% ऑफ ख़वातीन छोटी लड़कियाँ होंगी जो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह पे काम कर रही हैं। तो अब हमारी वेबसाइट पे जाएँ, फेसबुक पे जाएँ, वो किसी ना किसी फॉर्म में मीडिया में अपना पार्ट जो है वो प्ले कर रही हैं और अपना कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। और जो हमारा पर्पज़ है कि जेंडर इक्वालिटी हो मीडिया में, उसको सर्व कर रही हैं और एम्पावरमेंट होती है वुमेन की, वो हासिल कर रही हैं। अच्छा मैम, एक और लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर फीमेल स्टूडेंट्स आपको भी देख रही हैं तो वो किस तरह से आपके इदारे को कांटेक्ट कर सकती हैं वर्कशॉप में मेंबरशिप हासिल करने के लिए? बिल्कुल, वो कर सकती हैं। हमारा वेब पेज पे अनाउंसमेंट होती रहती है, FB पे अनाउंसमेंट होती रहती है, वो रबते में रहें, व्हाट्सएप ग्रुप हैं हमारे, तो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत आसान है, रबते में रहें। और जब भी जहाँ भी जो अपॉर्चुनिटी होगी ट्रेनिंग की, जॉब्स की, वहाँ उनको नॉमिनेट करेंगे, उनको बुलाएंगे और उनकी अपना जो क्रिएटिव जो इंटेलेक्चुअल जो इनका इनपुट है, हमें उसकी भी ज़रूरत है, ठीक है ना, वो हमें भी चाहिए, तो हमें उसके लिए उनसे उनकी मदद की जरूरत है। थैंक यू सो मच मैम।